वृक्ष की वो बाहें जो चट्टानों को भी चूर चूर कर दिया करती थी। अमर सिंह ने उन बाहों का घेरा तोड़ने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, मगर सफल ना हो सका और उसने नरभक्षक की बाहों में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सूर्यलेखा जहरीली मुस्कुराहट के साथ चली गई और पीछे छोड़ गई अमर सिंह की लाश। अमर सिंह की मृत्यु ने संग्रामगढ़ के सर्वनाश में पहली चिंगारी का काम किया। राजमाता, तोड़ दीजिए ये परंपरा कि राजकुमारी का विवाह होना जरूरी है, इसलिए कि इस पृथ्वी पर आपकी राजकुमारी के योग्य कोई पुरुष नहीं है। सूर्य अपना परिचय जल कर देता है और सूर्यवंशी अपना परिचय जला कर देता है। अपने साहस और वीरता की परीक्षा दोगे? मैं परीक्षा देने नहीं, परीक्षा लेने आया हूं। Thank you.
मैंने आपसे कहा था ना कि हर स्त्री के भाग्य में एक पुरुष होता है। ये क्या राजमाता आंसू? निश्चय ये खुशी के आंसू होंगे। पता नहीं। कैसी लग रही हूं मैं आज? अनुपम सुंदरी लग रही हो। स्वर्गलोक की अप्सराएं भी तुम्हें देखकर ईर्ष्या से जल उठे। लज्जा आ गई। मैंने तो तुम्हारी प्रशंसा में केवल दो पंक्तियां कही और तुम बसंती धूप की तरह खिल उठी। उस समय क्या होगा जब सूर्यवंशी विक्रम सिंह तुम्हारी सुंदरता के गुण गान करते करते एक महाकाव्य लिख देगा? ज्यादा लज्जाए तो मेरी तरह इस दर्पण में आकर समा जाना। मैं हमेशा तुम्हारा ही सहारा लूंगी। कितनी अधूरी थी मैं। विक्रम, मेरे अकेलेपन की ज्वाला को बुझाकर इसे क्यों जला रहे हो? इसलिए कि तुम्हारा अकेलापन तुम्हें फिर से डंप मार सके और तुम्हारी चीख अमर सिंह की आखिरी चीख से भी ज्यादा भयानक हो। अमर सिंह? हाँ, मेरा मित्र अमर सिंह, जिसकी तुम्हारे अहंकार ने जान ली, उसके बदले मैंने तुम्हारी जान तो नहीं ली, लेकिन मैं तुम पर ऐसा थप्पड़ लगाकर जा रहा हूं कि तुम जिंदगी भर तड़पती रहोगी। नहीं, छोड़ो मुझे। विक्रम, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। विक्रम, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम मुझे जो भी दंड देना चाहते हो दे दो, मैं सब सहन कर लूंगी। विक्रम, विक्रम नहीं, रुक जाओ विक्रम। अगर तुम चले गए तो ना मैं शांति से जी सकूंगी ना मर सकूंगी। विक्रम रुक जाओ, तुम्हारे लिए यही दंड है। तुम्हारा यहां से जाना केवल महारानी का ही नहीं, इस राज्य का भी अपमान है। हम सूर्यवंशी गुरु की हत्या नहीं करते। हट जाइए रास्ते से। धनुषधारियों ने सूर्यवंशी विक्रम सिंह को घेर तो लिया, मगर उसकी आंखों की ज्वाला के सामने धनुषधारियों के धनुष एक एक करके खुद ब खुद गिर गए। मैं जानता हूं कि तुम महावीर हो, मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र से प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मृत्यु तो मेरे वश में है। तुम्हें यहां से जाने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, हट जाइए मेरे रास्ते से।
विक्रम सिंह, इस शरीर को तुमने ठुकरा दिया, अब मैं उसे त्याग दूंगी, लेकिन मेरी आत्मा सदा के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहेगी और तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा।